असलम Continuing विद द सीरीज़ ऑफ़ डेटा स्ट्रक्चर्स टुडे वी आर गोइंग टू complete आवर चैप्टर नंबर 7 सो हमने ऊपर जो है वो ये डायग्राम लाइक ये जो आपको टेबल दिया हुआ था इससे हमने देखा था कि कोई भी पोस्ट फिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन हो तो आपने उसको पोस्ट फिक्स में जो है वो कैसे कन्वर्ट करना है अब हमने देखना इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन अच्छा आप यहाँ पे देखें कि हमने जो पिछले uh, वीडियो में डिस्कस किया था लाइक ए प्लस बी स्टेरिकसी एंड अगर पेरेंसीज हो लाइक ए प्लस बी इन टू सी ये दोनों हैं तो इन फिक्स फॉर्म्स लेकिन और सेम ही ऑपरेटर्स हैं सेम ही ऑपरेंट्स हैं लेकिन सिर्फ पैरंथीसिस की फ़र्क की वजह से क्या हुआ कि जब हमने उनको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया तो ए बी सी स्टेरिक्टैरिक स्टेरिक प्लस एंड देन ये ए बी प्लस सी स्टेरिक ये दोनों डिफरेंट हो गए ठीक है क्यों क्योंकि इनफिक्स सेम था और उनके पोस्टफिक्स वेरियंस डिफ़रेंट हो गए क्यों क्योंकि हमने पैरंथीसिस एक में जो वो यूज़ की थी और एक में नहीं की थी अब यहाँ पर देखें अगर मैं कहूँ कि अब यहाँ पे ये तो सेम है लाइक इनफिक्स फॉर्म में और पोस्टफिक्स फॉर्म में दोनों में ऑपरेंट तो सेम है ऑर्डर ऑफ ऑपरेंट्स जो है वो सेम है कि इसमें भी पहले ए था फिर बी था फिर सी था इसमें भी ए है देन बी देन सी और इसमें भी ए बी सी तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेंट्स जो है वो सेम रहता है जब हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं हाँ अलबा जो ऑपरेटर हैं वो चेंज हो जाते हैं क्यों चेंज हो जाते हैं क्योंकि देखें यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये स्टेरिक था फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन इसने मल्टीप्लाई करना था सी को और ए प्लस बी के आंसर को अब इनफिक्स ने ये स्टेरिक यहाँ पे लाने से पहले ऐड करने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे स्टेरिक डाल रहा हूँ तो मुझसे पहले क्या वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ और असल में मौजूद थी भी नहीं सी को भी इसने मल्टीप्लाई करना था ए प्लस बी के आंसर से तो वो सी बाद में लिखा हुआ है लेकिन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ये रूल फॉलो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहता है कि जो ऑपरेटर होगा वो अपने से पिछली दो चीज़ों को यूज़ कर रहा होगा अपनी वैल्यूशन के लिए लाइक ये प्लस है ना तो ये बी सी के मल्टीप्लिकेशन के आंसर को और ए को आप उसमें प्लस कर रहे हैं ठीक है तो पोस्ट फिक्स में आपने याद रखना है ये सारा इस जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये सारा इसी में डिस्क्राइब किया हुआ है कि पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि जो आपके पास ऑपरेट ऑपरेटर होता है ना वो अपने से पहले वाले ऑपरेट्स को पहले से स्टैक में अपने एक्सप्रेशन में पहले से पुश करके रखता है एंड देन ऑपरेटर आता है तो हम कहते हैं कि पहले दो ऑपरेंट्स को पॉप करवा दो ठीक है इनफिक्स में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले से ऑपरेंट मौजूद है या नहीं वो जो अगला आता है उसको इवेलुएट कर देता है तो ये असल में इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वरियन का जो वो है वो ज़्यादा डिफरेंस है ठीक है अब यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें एक ये सीडो कोड लिखा हुआ है स्टैक ऐसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया फिर वाइल्ड लूप आ गया अब लूप कब तक चलेगा नॉट एंड ऑफ इनपुट जब तक आपके पास इनपुट एंड नहीं हो रही यहाँ पे इनपुट में किसको कह रही हूँ कि जो आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है जिसको आप इवेलुएट करने जा रहे हैं वो जब तक एंड नहीं होता ठीक है अब इसके कोड ब्लॉक में क्या आ गया कि सी इज़ इक्ल टू नेक्स्ट इनपुट करैक्टर अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर की फ़र्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे हम ई e कह रहे थे तो सी ई ये डमी वेरिएबल्स होते हैं इट डजेंट मैटर एट ऑल कि हम इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पे लेकिन क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नेम होते हैं तो सी इज़ इक्ल टू नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है लाइक ए बी सी इस तरह की कोई भी अल्फाबेटिकल जो आपके पास करैक्टर्स हैं वो ठीक है अब यहाँ पे इनपुट करेक्टर का एक आपने ये समझना है कि ये अलग अलग ए बी सी का मतलब नहीं है जैसा कि हमने इन टीचर्स में या ऑपरेंट्स में हमने बात की थी कि लास्ट में नहीं है सिर्फ टू थ्री वन हो वो ट्वेंटी वन भी हो सकता है वो फोटी नाइन भी हो सकता है इस तरह से कोई भी हो सकता है ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पर ई फल स्लूप जब हमने चलाया इसमें हमने कहा कि सी जो है जो हम इनपुट करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन से वो कोई ऑपरेंड है अगर तो वो ऑपरेंड है तो हमने देखा था कि उसको सिंपल पुश कर दो स्ट्रिंग में ऐड कर दो एल्स के अगर वो ऑपरेंड नहीं है यानी कोई ऑपरेटर है वो कोई प्लस माइनस डिवीजन ऑफ्रैक्शन एक्सप्रेनसिएशन है तो फिर उसके लिए एक वाइल लूप चलेगा ठीक है अब उस वाइल लूप में दो चीज़ों का एंड जो है वो हमने किया है अब वो दो चीज़ें क्या है कि एक तो हमने ये देखना है कि कहीं आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है क्यों क्योंकि अगर आप ये ये नॉट एस डॉट एम टी ये लाइक like कन्वरियन का इनवरियन का साइन है तो एस डॉट एम टी जो आपका स्टैक है वो कहीं एम टी तो नहीं है क्यों क्योंकि अगर वो एम टी होगा तो फिर आपने किसको पॉप करवाना है लाइक एम टी या मतलब कोई ऑपरेंट है ही नहीं तो जब है ही वो एम टी तो ना हम जाहिर सी बात है कुछ पॉप करवा सकते हैं और ना कोई वैलुएशन होगी ठीक है एक तो ये पार्ट ऑफ ये क्या है प्रेसिडेंस एस डॉट टॉप एंड देन सी यहाँ पे ये दो ऑपरेंट हैं ठीक है और उनकी प्रेसिडेंस हम चेक करने जा रहे हैं खैर अब इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा कि अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं जब तक तो ऑपरेंट जो है वो एस डॉट पॉप मैथड कॉल करके ऑपरेंट बाहर हम स्ट्रैक से निकालेंगे और उसके बाद लाइक जो है हम ऐड ऑपरेंट टू द पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग और उस ऑपरेंट को जो है वो ऐड करेंगे स्ट्रिंग में और जो भी वैल्यूएशन होगी वो सारी करके और फाइनल रिजल्ट को दोबारा पुश कर देंगे स्ट्रैक में ठीक है और जब तक स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है तो ये सारा जो कोड है वो अगेन अगेन रिपीट होता रहेगा अच्छा वो जो प्रेसिडेंस की बात की थी कि हमने असल में उसमें क्या करना है तो देखें ये था आपके पास प्रेसिडेंट एस डॉट टॉप और ओपरेंट यहाँ पे सी लिखा हुआ था कोड में ठीक है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर प्रेसिडेंस चेक होगी अब वो प्रेसिडेंस कैसे चेक होगी एक तो एस डॉट टॉप में आपके पास ओपरेंट आएगा सॉरी uh, ऑपरेटर आएगा और एक ये ऑपरेटर है आपके पास ठीक है अब एस डॉट टॉप से वो कौन सा ऑपरेटर आपके पास पॉप हो के आएगा जो सबसे ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है ठीक है वो सब वो देखना है आपने अब टॉप मेथड हमने लेक्चर नंबर सिक्स में देखा था कि टॉप मेथड क्या करता है कि वो सिंपली बता देता है कि स्टैक में सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है तो हमें ये पता चल जाएगा कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर मौजूद है और ये ऑपरेटर जो अभी हमारे पास आया है जिसको अभी हमने स्टैक वगैरह में भेजा नहीं है अब इनकी प्रेसिडेंस चेक करनी है अब फॉर एग्जांपल स्टैक में टॉप मेथड के ज़रिए आपके पास आ गया प्लस कि भाई ऑपरेटर प्लस सबसे ऊपर पड़ा हुआ है और ये स्टेरिक था आपके पास जिसको अभी हमने कंपेयर करना है तो अब देखें प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है या मल्टीप्लीकेशन की तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्लस की कम है प्रेसिडेंस नहीं है ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन से तो इस पूरे कोड ब्लॉक का आंसर जो है वो आपके पास फॉल्स रिटर्न होगा अगर तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता लाइक और यहाँ पे एडिशन होता तो इसका आंसर ट्रू आ जाता इसी तरह अगर आपके पास दोनों प्लस प्लस होंगे तो भी आंसर ट्रू आएगा क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर दोनों सेम है तो तो ये थी असल में इसकी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस अब यहाँ पे देखें फ़ॉर एग्जांपल आपके पास ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है अच्छा अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम इसके पार्ट वन में किसी इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे ना तो उसके लिए हमने स्टैक जो वेटिंग एरिया था उसमें हमने रखा था ओपरेंट्स को अगर आपको याद हो ठीक है और एक वैल्यू का कॉलम बनाया था फाइनल रिजल्ट वगैरह के लिए अब जब हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है सिर्फ हमने इसको इवेलुएट करना है ठीक है तब क्या था कि हमारे पास इनफिक्स था हम उसको पोस्ट फिक्स में कर रहे थे तो हमने स्टैक में जो वेटिंग एरिया था उसमें रखे थे ओपरेंट्स अगर आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको सिर्फ एवेल करना है इनफिक्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो आपने स्टैक में ऑपरेंड नहीं रखे बल्कि क्या रखा है ऑपरेटर स्टैक क्या होता है असल में ये एम सी क्यू में भी आ जाता है कि स्टैक जो है वो आपका मेमोरी में वेटिंग एरिया होता है ठीक है अच्छा अब यहाँ पे देखें सबसे पहले ए था आपके पास सिंबल उसके अलावा ये पोस्टफिक्स में डायरेक्ट चला गया अभी ये ऑपरेटर इसको चाहिए मतलब कोई फिर ही होगा देन प्लस आ गया प्लस बाइनरी ऑपरेटर है इसको तो दो ऑपरेंट चाहिए अभी तक तो सिर्फ ए आया है हमारे पास तो पोस्टफिक्स में ए वैसे, वैसे का वैसा आ जाएगा ये जो प्लस है अभी इसका जो सेकंड ऑपरेंट है वो नहीं आया ना इसलिए इसे मेमोरी में वेटिंग एरिया में रख दिया ठीक है उसके बाद बी आया अब ये बी जो है वो ऑपरेंट था ये ए बी बन गया अब देखें ये जो प्लस था ये फ़िलहाल ऐसे ही है अब वो ऐसे क्यों है क्योंकि देखें यहाँ पर ये जो है एक्सप्रेशन यहाँ आपको देखे पर चल रहा है कि ये जो प्लस है इसने ए और बी को प्लस नहीं करना बल्कि ए और बी और सी को मल्टीप्लाई करके लाइक अपने से पीछे वाली दो चीज़ें यूज़ करनी होती है ना तो प्लस ने किसको को इवेलुएट करना है बी और सी के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा उसको और ए को तो इसलिए यहाँ पे ये ए ने ए प्लस बी नहीं किया अभी तक वो वेटिंग एरिया में है ठीक है उसके बाद आपके पास स्टेरिक आ गया अब स्टेरिक ने कहाँ जाना है स्टैक में प्लस से ऊपर क्योंकि लास्ट टाइम फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर फॉलो करना है उसके बाद सी आ गया यह भी पोस्टिक्स में चला गया देन प्लस एंड देन आपके पास टेरी करनी है मल्टीप्लिकेशन अब देखें कि यहाँ से तो पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया अब हमने स्टैक से ऑपरेंट की तरफ जो है वो ऑपरेटर को शिफ्ट करना है अब ये सबसे ऊपर कौन सा था लाइक सबसे लास्ट टाइम हमने कौन सा भेजा था मल्टीप्लिकेशन तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना तो सबसे पहले फर्स्ट आउट पॉप में जो हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन लाइक ये स्टेरिक हो जाएगा ठीक है ये अब हमने यहाँ भेज दिया उसके बाद देन प्लस बचा तो हमने इसको भी यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये इस तरह से जो है वो हमने इसको शिफ्ट uh, करना होता है ये और गेट है और यहाँ पे आपको जो है वो पैरेंथीसीस uh, की प्रेसिडेंस बताई हुई है जब आपके पास अगर कोई एक्सप्रेशन पैरेंथीसीज में है ना तो जब तक ओपनिंग उसका चल रहा होता है ब्रैकेट तो लाइक uh, like जब तक उसका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता ना तब तक हम उस पूरे को यूटिलाइज नहीं कर सकते जब हमें उसका क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाता है क्लोजिंग पैरथिसिस तो हम क्लोजिंग को भी डिस्कार्ड कर देते हैं और जो स्टार्टिंग वाला ओपनिंग होता है उन दोनों को भी डिस्कार्ड कर देते हैं इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अगर इसमें कुछ ना समझ आए तो यू कैन ऑलवेज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन थैंक यू